पाजी आज आज आवाज का खेल एक्चुअली आज के हमारे जो मेहमान हैं ये ऐसे सुपरस्टार सिंगर हैं, इन्होंने बॉलीवुड के सब सुपरस्टार्स के लिए प्लेबैक सिंगिंग की है। ये आज अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ आ रहे हैं। प्लीज वेलकम शान एंड राधिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गीतों का गुलशन है वो, सुरों का आफताब है। शान लगता है कोई शायर और आप उस शायर का ख्वाब हैं। शादीशुदा होकर भी गाते हो रोमांटिक गाने, ये प्यार नहीं, इसका मतलब बीवी से डर बेहिसाब है। सबसे पहले तो शान सर के बॉलीवुड में एज ए सिंगर 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा 25 साल हो गए, ये तो थी न्यूज़, पर हम कंफर्म कर लें सच्ची 25 हो गए, क्योंकि न्यूज़ में कुछ भी आ रहा है आजकल। अच्छा अगर प्रॉपर हिसाब देखे तो 40 साल हुए। हाँ जी, जब मैं 4 साल का था तभी पहला एल्बम आया था। अच्छा, बंगाली नर्सरी राइम। अच्छा, बना था। फिर परिंदा फिल्म आई थी, उसमें एक लाइन लेकिन क्रेडिट में नाम डाल दिए थे। अच्छा, 4 साल का बच्चा गा रहा है ये 89 में रिलीज हुआ था, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। हद हो गई यार, कहीं तुमने पैदा होते ही नर्स को तो नहीं बोल दिया था अमी तुम्हें की भालेबाशी। बंगाल की धरती से इतने अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं। अच्छा, आप 4 साल की उम्र में गाते थे तो आपको सीरियसली लिया गया कि बच्चा है गाता है। हम 10 साल की उम्र में भी गाते थे, हमें जूते पड़ते थे। किताब खोल लो मर लो अपनी, हमें तो अभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमारे साथ शोषण हुआ है। शादी को कितने साल हो गए भाभी आपकी? अच्छा, ये साल 17 इयर्स कंप्लीट होंगे। 17 हो जाएंगे जी। मुझे लगता है एक ही हुआ है, जिस हिसाब से शान भाई के चेहरे पे स्माइल रहती है तो ये तकरीबन शादी के 1-1.5 साल तक तो रहती है, पर उसके बाद 17 साल तक आपकी रहती है, ये बड़ी अच्छी बात है। कईयों के वाकई रहती है और कईयों के दिखावे वाली रहती है। अंदर से बड़े तपे जले होते हैं वो। कुछ पूछ, ये ओरिजिनल है। 17 साल हो गए, बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों बड़ा ही खूबसूरत कपल है और बड़ा मजा आता है जब भी इन दोनों से मुलाकात होती है। सबसे ज्यादा गाने सर आपने किस एक्टर के लिए ज्यादा गाए? अभिषेक, सलमान, सलमान खान। राधिका भाभी के लिए ज्यादा नहीं गाया आपने? खाली वो रूठने मनाने वाले गाने। एक्चुअली कोई सीरियस रोमांटिक गाना कभी गाया नहीं है। खाली एक लिखा था मेरे ऊपर, वो गुमसुम हो क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो बीवियां होती है वो साइलेंट ट्रीटमेंट बड़ा देती है ना। कोई शादीशुदा है इधर? बहुत लोग शादीशुदा लोग आते, तुम्हारे क्यों देखने आएंगे हमारा शो? अभी एक्चुअली मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, शान भाई को तो सबको पता है कि वो कलकत्ता से, आप कहाँ की हैं बेसिकली? I'm born and brought up in Mumbai. पापा एक्चुअली पंजाब से है। अच्छा, और मम्मा गुजराती है, गुजरात से है। पापा आपके पंजाबी, मम्मी गुजराती, हस्बैंड बंगाली। जी, बोलते पूरा कंप्लीट कर लो। एक्चुअली आप कह रहे थे कि बच्चे आपके साउथ के होने चाहिए। ये क्या पागलपंती है, बड़ी अजीब सी चीज है ये, हाइब्रिड वैरायटी बन जाती है। मेरा फादर जाट, मेरी मदर खत्री। हाँ, तो वो मुझे जटखट बोलते थे। जटखट आप लिख लेना, जटखट आप। जो लोग आपको बोलते हैं अच्छा बच्चे साउथ से ले, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप कलकत्ता से हैं, वाइफ गुजराती और पंजाबी मिक्सचर, तो बच्चे कैसे साउथ से हो सकते हैं? नारियल पानी खा के कोचिन गए थे हनीमून पे। अच्छा, इसी पर्पज से? पर ये कोई लॉजिकल बात थोड़ी ना है। नहीं, चलो नहीं, मैं वैसे हूँ, तुम नॉर्थ से हो, साउथ चलते हैं हनीमून पे, बच्चे हमारे साउथ इंडियन। शान भाई ने आज तक कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, मराठी, एसमीज, कोई रह गई, सब भाषा में गाने गाए इन्होंने, पता है। शान भाई, एक बड़ा ही शादीशुदा लोगों का सवाल है जी, कि बीवी रूठ जाए कौन सी भाषा काम आती है? प्यार की।
सब आदमी ऐसे मनाने की कोशिश, हर हाथ ना लगाओ, ऐसे होता है, सारे भाषाएं कम पड़ जाती, एक ही वही वर्ड है, अलग अलग भाषा में कह सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं, माफ कर दो कह सकते हैं, बंगाली में क्या बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो, माफ कर दो मुझे, क्षमा करो, बंगाली में तो और तरसी हो गई जीवो ने कोरबो ना, जिंदगी में फिर कभी ये भूल नहीं करूंगा मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ऐसे ही। इसकी कोई टाइमिंग होती है रूठने के, कितनी देर के बीच सॉरी बोलना रहता है? वो चाहे जितना भी आप कहो ना, कि हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा टाइम दे देते ना तो कूल ऑफ हो जाएंगी, लेकिन चाहे आप 2 दिन का टाइम दो या 20 मिनट का टाइम दो, उसके बाद जो करना हो तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है गाड़ी में भी आपकी लड़ाई हुई ना, फटाफट गाड़ी साइड पे लगा के ना तो कांच पे वो लगा दो, वो जो नहीं लगते वो धूप से बचने के लिए, चारों चुपचाप स्टीयरिंग से निकल के ऐसे ही कर दो कि मेरा एक्चुअली आज के बाद आप सीधे होके आप उतार दो वो तो चुपचाप, किसी को क्या पता क्या हुआ गाड़ी में, हो जाना चाहिए। पिछली बार कोई दोस्त वोस्त आ गए थे घर पे तो कुछ ज्यादा हो गई रात भर, तो फिर सुबह ऑब्वियसली फिर मूड इनका खराब हो गया, तो फिर उस दिन शाम को मेरे बच्चे मुझे एडवाइस देने लगे, फूल लेकर आओ, ये करो वो करो, मैं एक्चुअली गया फूल लेकर आया इनके लिए। इतने सेंसिबल बच्चे मार्केट में पहले नहीं होते थे ऐसे बच्चे। हमारे मम्मी पापा लड़ पड़ते थे ना तो बड़ा भाई डैडी के गले में ऐसे पड़ जाता, नहीं डैडी नहीं, मैं मम्मी को पकड़ना, तो बड़ा मजा आता था एक्चुअली। अभी एक बात बताओ, आपको शान की सुर पसंद आए थे पहले कि सीरत, प्यार किस चीज पे हुआ था? स्माइल पे। शान भाई ये बात सही है कि जब आप भाभी के साथ डेट पे गए थे 300 रुपए ले गए थे अपनी तरफ से? काफी नहीं, नहीं, सब मेरी ये तो एक्चुअली मैं ये स्टोरी बोलूंगी। तो आए घर पे, बोला कि आप फर्स्ट डेट चलो आपको कहीं अच्छा कहीं लेके जाते हैं, ऐसे चलो लेट्स गो। तो मैं गाड़ी में बैठी, पहले तो उन्होंने ऐसा एक बोला कि आप फॉर यू आपके लिए गिफ्ट है, ग्लव कंपार्टमेंट खोलिए। सो मैंने खोला तो एक टॉय था उधर, वो पुराने टाइप के टॉयस होते हैं ना, वो एक बंदर होता है, उसको ऐसा बटन दबाओ तो दम करके गिरता है, फिर इधर गिरता है, फिर आगे गिरता है। तो पहले मैंने देखा ऐसे अच्छा क्यूट सा, ऐसे बड़ा क्यूट है, ऐसे ठीक है करके मैंने रख दिया। बजट आदमी के पास कम होना, ऐसे में क्यूट है ना, थोड़ा हो रहा है कुछ था अजीब सा। हाँ, लड़की गर्लफ्रेंड को कौन बंदर देता भाई? मैंने देखो पहले ही उन्हें हिंट दे दिया कि बंदर से शादी करने वाले। तो फिर 300 रुपए का क्या हुआ? फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, सर सर वाह इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, जाने से पहले 300 रुपीज, सर हाँ 300 रुपीज बजट नो मोर। तो आई सर अच्छा खाली 300 रुपए, से ठीक है चलो नो प्रॉब्लम, यू नो मैनेज कर लेंगे। तब उन्होंने मेन्यू खोला और बोला हाँ चिकन स्टोगनॉफ करके धम करके रख दिया। सर ये भगवान ऐसे शेयर करेंगे दोनों, 250 रुपीज का है। सो आई सर अच्छा नहीं 180 का था, 250 anyway, कुछ था ही नहीं बाकी था, ऐसे अभी क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने थोड़ा कुछ ऑर्डर किया, ऑब्वियसली बिल 500 रुपीज आया, तो मुझे देख के बोलते पुट, ऐसे पुट क्या होता है, मनी इज लेस ना, थोड़ा डाल दो अंदर। मैं भी एक लड़की के साथ गया रेस्टोरेंट में, 160 रुपए बिल बना, मेरे पास 100 थे, मैंने 60 रुपए के बर्तन मांज दिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेरी अम्मी जान कहां करती है। अच्छा बपीदा आए थे राधिका भाभी थोड़े दिन पहले, पहली बार मैंने देखा किसी आदमी को गोल्ड का इतना शौक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए भी पहनता हूँ गोल्ड, मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है, पर हमने सुना है कि शान भाई को सिल्वर बहुत पसंद है, आपके घर में बहुत सारा सिल्वर पहन के आए थे? सिल्वर पैंट और एक झटा सा ग्रीन शर्ट और उसके बीच में भी एक सिल्वर का कुछ बटन। मैंने बोला पापा को बोला कि यू नो मुझे एक लड़का बहुत पसंद है और वो आने वाले है आज अच्छा। मिलने को आपको, तो बोला कि अच्छा इतना बच्चा कि घर लेके आ रहे हो, ऐसे जी पापा आई थिंक यू नो ही इज द राइट बॉय। तो आई फिर घंटी बजी, मैंने खोला देखा, फिर मैंने बंद कर दिया, ऐसे क्या वैसे नहीं नहीं आई थिंक कल आने वाला है। तो फिर तब मेरी ग्रैंड मदर जाके खोला, आई थिंक आ जा बेटा आ जा आ जाओ। फिर पापा ने इनको देखा बोला कि सर्कस में गाता है, आई थिंक नहीं। मेरे बेस्ट कपड़े थे वो उस जमाने के। अच्छा आपने तो अपने बेस्ट ही पेश किया होगा। हाँ मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करके गई थी कि गया था, पता नहीं क्या हो गया गई थी। मैंने अपनी तरफ से पूरा मेहनत। अच्छा आपको पता है शान सर अपनी पेंट भूल आए थे स्कूल में है? अभी कभी ऐसा हुआ फिल्म देखने गए हो आपके साथ आप ही को भूल आए हो? नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था, इनका कुछ प्रोग्राम था दिल्ली में, मैं बोला ऐसे मैं थोड़ा शॉपिंग कर ले, तो मैं एग्जैक्टली 3 बजे मैं इधर एक
स्पॉट हम लोग ने जैसे मैं उधर आई स्टैंड देयर तो गाड़ी आई और दो खूबसूरत लड़कियां सामने शान ये सीट पे और मैं देख रही हूँ कि गाड़ी चली गई डेढ़ घंटा मैं रस्ते पे थी फिर आई वेंट टू अ होटल फिर उधर से इनके होटल में मैंने फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन उठाया बोला ओ माय गॉड भाई ये मोबाइल मोबाइल तक तो चलो ठीक है आदमी भूल जाता है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.